आप भी यहाँ पर फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं, अपने फ़ोन को चलाते हैं और अचानक से आपका जो फ़ोन है यहाँ पर डिस्प्ले पे ऐड चलने लगता है, ऐड आने लगता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन में डिस्प्ले ऐड को आप जो कि परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ताकि आपका जो फ़ोन है उस पर यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले ऐड या फिर कोई भी प्रचार आपको देखने को ना मिले। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन सेटिंग्स है, आपको यहाँ से अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स है वहाँ पर आ जाना है। और जैसे आप सेटिंग में आते हैं, ऐप वाला जो ऑप्शन है आप अपना फ़ोन में यहाँ पर देखेंगे कि ऐप करके एक आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आप क्लिक करेंगे ऐप में और जितने भी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से A to Z चाहे डिफ़ॉल्ट ऐप हो गया या फिर कोई भी ऐप अगर आपने डाउनलोड किया होगा, टोटल ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी ऐसे कोई ऐप्स है जिसको कि आप यूज़ नहीं करते हैं, अननोन ऐप है या फिर आपके फ़ोन में इस तरीके से वाइट कलर का लोगो वाला ऐप है, तो आप क्या करेंगे उसके क्लिक करके, जैसे यहाँ पर मेरे फ़ोन में तो नहीं है, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वाइट लोगो वाला अननोन ऐप है जिसका कोई यूज़ नहीं है, आपने नहीं डाउनलोड किया है, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से ऐप पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे में कई सारे ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ओपन हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, स्टॉप हो गया। तो क्या यहाँ से आप क्या करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे या फिर अगर डिसेबल का ऑप्शन आता है तो आप डिसेबल करेंगे ऐप को, आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है या फिर अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद आपको आ जाना अपने फ़ोन का होम स्क्रीन में और आपका जो फ़ोन में गूगल क्रोम है आप यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग्स। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करते हैं और आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ से साइट यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है। और साइट सेटिंग में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्स करके आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जो एड्स है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से आपका ऑन होगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो है कि यहाँ पर ऐड को आपको ऑफ कर देना है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, जैसे मेरा यहाँ पे ऑफ था, इस तरीके से आपको क्या करना ऑफ कर देना है। और फिर आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कि बैक आने के बाद और भी कई सारे आपको जो है कि ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक कुकीज़ करके भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं, अलाउ कुकीज़ हो गया, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ हो गया, इन ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ हो गया, ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट रिकमेंडेड हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ 2 नंबर में है, यानी कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, इसको आपको जो है कि टिक करके रखना है। आपका अगर फ़ोन में ऐड आता है, प्रचार आता है डिस्प्ले पे, तो ये यहाँ से इस तरीके से अलाउ होगा। तो आपको क्या करना है, फिर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद जितने भी आपके फ़ोन में आप जो भी आपका जो एक्टिविटी होगा उसको मिनिमाइज कर देना है। और उसके बाद जो आपका फ़ोन है यहाँ पर फ़ोन में जो ऐड आना जो कि बंद हो जाएगा। और अगर इतना करने के बाद भी आपका फ़ोन में ऐड बंद नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका फ़ोन कौन सा है और आपका फ़ोन में ऐड बंद हुआ कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।